तो बुआ जी आने को तैयार नहीं थे, बड़ा मनाया था, आने को राजी हुए। बैठ जाइए, अन्न पर अपना गुस्सा मत निकालिए। अरे हमको काहे लेके जा रही रसोई में? आइए छुटकी दुल्हन, आज के बाद आप हम मर्दों के साथ बैठ के खाना खाएंगी। बैठिए। प्रणाम जी। जी हाँ। जा यहाँ से। माई लगाए काचा। जा। हमरे राजकुमार जी ये सोच रहे होंगे कि ये बदलाव एकदम से कैसे हो गया, तो इसका जवाब ये है कि ये सब नौ की दुल्हन की वजह से हुआ है। आपको तो उसे थैंक यू वेरी वेरी मच कहना चाहिए। देखिए, इनसे सीखिए। इसे कहते हैं सेवा भाव। कितना ख्याल रखती हैं अमरी नौ की दुल्हन शेखरवा का। नौ की दुल्हन अंदर आइए, आइए। बाबूजी छोड़ जा, भीतर कैसे आएगी? और वो भी रसोई घर में? ये नौ की दुल्हन है, कोई फालतू की चीज नहीं है। ये हमरे साथ बैठ के यहाँ खाएगी। अब इसके खिलाफ किसी के मुंह से आवाज नहीं आएगी। आओ नौ की दुल्हन, आओ। सत्यानाशी के जाने के बाद चौका का फर्श अच्छे से धो डालना। अब हमारी इच्छा यह है कि आप यहाँ सबके लिए खाना परोसें। संकोच की कौनो जरूरत नहीं, बुलंदी से खाना परोसिए। की दुल्हन शेखर दीजिए। कहते हैं अपनों को अपने हाथ से खिलाने से नजदीकियां बढ़ती हैं। आप लोग भी इस प्रक्रिया से नजदीकी बढ़ाइए और प्रेम बढ़ाइए। आप सबको परोस दीजिए। रुको, बाबूजी ये सब करने का क्या जरूरत है? बहुत सी चीजें जो जरूरी नहीं थी रणविजय, वो भी हुई है इस घर में। तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो अब क्या है? नाव की दुल्हन जो लड़के अपनी पूरी जिंदगी ए परिवार के खातिर निछावर करती हो, उसके हाथ का परसा हुआ खाना खाने में का दोष है? आप लोग भी खाइए। जरा आते हैं। और कैसा हो शेखर बाबू? बढ़िया। क्या हुआ रंजन, आपको बुलाया? हाँ, वो कहा है कि पटना बात किए थे दोस्तों से, तो मालूम चला कि उनकी नजर में एक मकान है, तो हमारी समझ से वो तुमरे और तुम्हारी बीवी के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। किराया भी कोनो ज्यादा नहीं, सिर्फ 20,000 रुपया महीना। नहीं, लग तो ठीक रहा है। उसे बोलो ना मकान रोक के रखे, दे ना किसी को, हम जाते ले लेंगे उससे। अरे हम तो उनको बोले ही थे, लेकिन वो सब लोग बोल रहे हैं कि मकान मालिक को थोड़ी जल्दी है, वो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन रोक सकता है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 दिन का वक्त है। बस 1 दिन? 1 दिन में कैसे होगा रंजन? पटना सिटी में ढंग की जगह बहुत ही मुश्किल से मिलती है, और तुम्हें मिल रही है तो तुम उसे हाथ से जाने मत दो। बस आज रात किसी तरह निकल लो। बस आज रात? अपना सारा गहना का रखियो। वो सब तुम्हारी माताजी के साथ है। जब से हम वो अपने हीरे की नथुनी खोते ना तब से। अब बस एक ही रास्ता है, माँ के कमरे से गहना चुरा ले। लेकिन बाबूजी, और अगर कौनो वजह से पकड़े गए तो? हाँ बबुआ जी, भूल गए हैं? अरे सावन में आज के दिन बड़े ठाकुर जाते हैं ना देवघर, अरे बाबा बैद्यनाथ के यहाँ जल चढ़ाने। कई लोग तो उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, बस बड़े ठाकुर आते ही होंगे। मतलब आज रात बाबूजी यहाँ नहीं रहेंगे?